let's have another practical question and this is again about a consolidated statement of financial position we have done earlier uh, income statement question small one and similarly i am going to do here uh, uh, questions on the balance sheets so let's have here we got paid up capital of x and y again x has 80% शेयर इन वाई और उसमें जो उसने कंसिड्रेशन पे की है वो है थ्री हंड्रेड थाउजेंड की रिज़र्व्स हैं प्रोफिट्स हैं अच्छा आप यहाँ पर देखें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई इसमें कि आपके पास रिज़र्व जो फर्स्ट जनवरी को हैं ट नाइन्टी मैं होल्डिंग होल्डिंग uh, की बात कर वाई की बात कर रहा हूँ ये आपका प्री है कोजिशन है जनवरी के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो अलग से मैंशन किया गया ये हो सकता है समटाइम क्वेश्चन में कि आपको टोटल बता दे और कहीं और जाकर बताए कि इसमें प्री एक्विजिशन कितना है और ये भी हो सकता है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है अगर आपने जुलाई फर्स्ट को ये शेयर ख़रीदे होते तो जो पूरे साल का प्रॉफिट है उसका फिर फिफ्टी परसेंट प्री होता तो ये प्री की कैलकुलेशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्रॉफिट में नहीं लेके जानी बल्कि उसकी कैलकुलेशन गुडविल में यूज़ होनी है ट्रेड गाइडर्स हैं टैक्सेशन है और इसमें ये प्रपोज डिविडेंट भी है अच्छा नॉर्मली तो प्रपोज डिविडेंट को तो हम बैलेंस शीट में ऐसा नहीं दिखाते हैं पे करते हैं तो फिर चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट में लेके जाते हैं दिस इज़ वॉट स्टैंडर्ड से लेकिन अगर आप क्वार्टरली डिविडेंट पे कर रहे हैं और अप्रूव हो जाता है और क्वार्टरली अकाउंट्स के फ़ौर बाद ही अगर आपको बनाने पड़ते हैं अकाउंट्स तो आपने जब क्वार्टर में अप्रूव हो गया है तो फिर तो आपको उसको लेकर आना पड़ेगा एडजस्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी यानी आप पेबल दिखाना पड़ेगा तो इस केस में यही हुआ है कि उन्होंने बैलेंस शीट में प्रपोज डिवेंट की फिगर डाल दी अब इसमें जरा थोड़ी सी डिटेल चाहिए कि समझने के लिए कि प्रपोज डिवेंट अगर बैलेंस शीट में आ जाए तो क्या करना देखिए डिविडेंड के बारे में दो तीन चीज़ें नोट करें एक तो ये है कि उन्होंने पे कर दिया अगर पे कर दिया है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत सच नहीं है क्योंकि आपने रिसीव कर लिया प्रॉफिट में आ गया बात ख़त्म हो गई लेकिन अगर उस जो पे किया है उसमें से कुछ पोर्शन पोस्ट और प्री एक्विजिशन का है तो उसकी भी फिर एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रॉफिट तो मिल गया लेकिन वो आपका नहीं है इसीलिए वो फिर आपको एडजस्टमेंट में डालना पड़ेगा गुडविल की कैलकुलेशन में दिस इज़ नंबर वन पे हो गया हो तो लेकिन अगर अभी प्रपोज्ड है और वो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है और आपने चूँकि शेयर ख़रीदे हुए तो आप अपने यहाँ रिसीवेबल दिखाएगा वो पेएबल दिखाएगा ऐसे ही है ना तो उसके इसमें क्या होगा कि आपने वो जो उसका पेबल है उसको रिवर्स करना पड़ेगा इसलिए कि आप इसको अच्छा रिवर्स करते वक्त नोट करना है इस बात को भी कि आपने अपना शेयर रिवर्स कर सकते हैं यानी एट्टी परसेंट रिवर्स कर सकते हैं जो ट्वेंटी परसेंट है माइनॉरिटी का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स का एन का वो आप रिवर्स नहीं कर सकते इसको ना ही आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ऐड कर सकते हैं। बल्कि इसको आप सेपरेटली एज ए करंट लाइबिलिटी ही में दिखाएंगे जो दो दो रुपए का बच जाएगा दो यानी दस है ना तो उसमें आठ का तो रिवर्स हो जाएगा लेकिन दो रह जाएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के और प्लाट मशीनरी के अब देखें पिछले क्वेश्चन में क्या था हमने नेट लिखे थे एसेट्स की वैल्यू अब इसमें क्या है कि उसने डेप्रिसिएशन की प्रोविजन की फिगर जो है ना दूसरी साइड पर लिख दिया हालांकि होना तो चाहिए था वहाँ से ही माइनस करके लिखते लेकिन नई क्वेश्चन को बढ़ाया है थोड़ा सा तो उसमें यहाँ पर हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो फिगर्स हैं वहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि आपने नेट लेके जाने होते हैं और करंट अकाउंट्स ये भी एक सवाल है कि करंट अकाउंट क्या हो गया इसमें अब देखिए उसने करंट अकाउंट का मतलब ये है कि कंपनी आपस में लेन देन करती हैं तो अपना एक करंट अकाउंट खोल लेती हैं ये ये बैंक करंट अकाउंट नहीं नोट करें नो ये करंट अकाउंट इंडिविजुअल कंपनी के साथ यानी होल्डिंग ने और सब्सिडी ने एक्स और वाई ने करंट अकाउंट चल रहा है उनका दरमियान इसको भी रिकनसाइल करना होता है अगर यहाँ करंट अकाउंट है तो देखिए आपकी दूसरी साइड पर भी करंट अकाउंट आएगा ये नीचे करंट अकाउंट 19। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है उधर है इधर 19 है ये कैंसल नहीं हो सकता अनलेस अनलेस के आप इसको एडजस्ट ना करें दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अगर करंट करेंट अकाउंट या बैलेंसेस जो होते हैं अगर वो रिकनसाइल नहीं हो रहे तो आप रिकनसाइल उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको रिकनसाइन करेंगे पहले तो इसकी रिकन्सेशन आगे नोट में आएगी अब इसके देखें रिमिटेंस ऑफ टू थाउजेंड फ्रॉम वाई टू एक्स इन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज नॉट रिसीव बाई एक्स लिमिटेड अब देखिए रिमिटेंस पैसे भेजे आपने उसको नहीं मिले तो उसने तो अपने यहाँ से निकाल दिए ना पैसे तो कंसोलिडेशन के लिए आपको इसकी एंट्री डालना पड़ेगी कैश इन ट्रांजिट को डेबिट करना पड़ेगा और जिस पार्टी ने भेजे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा तो ये जो डिफरेंस वो है ना उन्नीस सौ चौदह का तीन का डिफरेंस तो ये निकल दो का डिफरेंस तो ये निकला है फिर है गुड्स विद्री थाउजेंड वॉज सेंड बाई एक्स लिमिटेड ऑन डिसम्बर बट नॉट रिसीव बाई वाई लिमिटेड अनटिल जनवरी अगेन देखें कि ये आपने गुड्स भेजी उसको नहीं मिली तो जब आपने भेजी तो आपने तो उसको डेबिट कर दिया ना अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर ली तो अब वो जो देखे तीन हज़ार का डिफरेंस ये चौदह और दो सोलह और तीन उन्नीस तो ये रिकनसाइल हो जाएगा तो आपको उन्नीस भी ख़त्म हो जाएगा उधर से चौदह भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये दो हज़ार और तीन हज़ार ये दो हज़ार जो है ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा क्योंकि सॉरी तीन हज़ार स्टॉक में ऐड हो जाएगा और दो हज़ार जो आपके कैश में ऐड हो जाएगा तो दिस इज़ हाउ दिस टू एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट है अगर कैश इन ट्रांजिट है या गुड्स इन ट्रांजिट है और बैलेंस नहीं मिल रहे हैं अकाउंट्स के यानी करंट अकाउंट्स के बैलेंस एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको रिकनसाइड करना पड़ेगा ओनली देन यू कैन कैंसिल उसके बाद ये देखिए इंक्लूड इन द प्रॉफिट एलिमेंट्स ऑन दिस इज ऑल्सो फोर हंड्रेड कैलकुलेट करके बता दिया ये नहीं बताया कि प्रॉफिट का कितने परसेंट है या कैसे नहीं उसे खुद बता दिया इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ ओबाई लिमिटेड टू थाउजेंड नाइनटीन वर गुड्स परचेज फ्राम एक्स लिमिटेड फॉर टेन थाउजेंड विच इंक्लूडेड इन इंक्लूडेड प्रॉफिट टू थाउजेंड अब इसने उसे खुद ही बता दिया कि ये उसमें प्रॉफिट में शामिल है नो इन टिविडेंड पेड क्लियर होगी बात गुड विल टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिजर्व देखिए इसमें उसने बता दी गुड विल टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिजर्व फिगर नहीं बता रहा तो हमें जब कैलकुलेट करनी है और हमारी जो फिगर आएगी उसको हम लेकर प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे उसको राइट ऑफ कर देंगे तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस क्वेश्चन इज गुड विल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिजर्व रिजर्व से मुराद प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है क्योंकि रिटेन रर्निंग भी कह सकता था ना सो वी नीड टू प्रिपेयर अगेन ए फाइनेंशियल पोजिशन एंड लेट्स सी हाउ दी फिगर्स लुक लाइक थैंक यू वेरी मच